बक्सर का दुर्भाग्य है कि बक्सर का लोकल टिकट नहीं मिलता है। हम लोग छले जाते हैं, हर चुनाव में छले जाते हैं। 9 साल बेमिसाल, ये मोदी जी का सत्य है, लेकिन बक्सर 9 साल सत्यानाश अश्वनी चौबे के चलते। यहाँ का एक तो विधायक पहले पूर्व में रहते थे पंडित जगन्नाथ त्रिवेदी, उस तरह का हमको चाहिए, लोकल अपने गोद में का बच्चा चाहिए, गोद में का ही बच्चा चाहिए। अब जो है लोकल हो वोकल हो, अब बक्सर की जनता जो है स्थानीय मांग कर रही है। इन्होंने काम किया है अश्वनी चौबे, लेकिन भागलपुर में किया है, बक्सर में कुछ नहीं किया। हमारे न सांसद साहब कोई काम किए हैं ढंग का शहर के लिए। शहर बक्सर विश्वामित्रिक जगह है, हम वार्ड नंबर 18 के वार्ड पार्षद हैं, अपना फूल का व्यवसाय धंधा पार्षद भी है। हाँ, हम बक्सर में 2 बार सांसद रह चुके हैं अश्वनी कुमार चौबे जी, और मंत्री भी रह चुके हैं केंद्र में। बक्सर शहर के लिए कुछ नहीं किया है अभी तक, तो कुछ नहीं, हवा हवाई में है। ऐसे मत बोलिए, सांसद है वहाँ पे, बहुत काम किए हैं। नहीं नहीं नहीं, हवा हवाई है, जो कुछ है मोदी सेंटर गवर्नमेंट से जितना आता है। एकदम बक्सर में कुछ काम नहीं हुआ अश्वनी चौबे। बक्सर में स्वास्थ्य व्यवस्था लचर है, नहीं है कुछ नहीं है। सदर हॉस्पिटल का विकास देख लीजिए, अगर बक्सर के लोग अगर थोड़ा सा टेस्टी हो जाए तो तुरंत रेफर करते हैं लोग। हाँ, शुगर का दवा नहीं रहता है यहाँ, दवा नहीं रहता। आप गए शुगर का दवा? हाँ, आपको नहीं मिला है? एक मर तो नहीं, 3 महीने से 4 महीने से आउट है। देखिए, इस वक्त हम बक्सर के, मतलब बक्सर नगर में ही कह सकते हैं कि जमुना चौक पर खड़े। एक बार दिखा दीजिए किस तरीके से यहाँ पर भीड़ भाड़ वाला इलाका है, और चुनाव के समय जो तमाम नेता होते हैं वो यहाँ पर आते हैं, लोगों से वोट मांगते हैं। बहुत संकीर्ण रास्ता भी है, लेकिन यहाँ आजू बाजू आप देख रहे होंगे दुकानें हैं, और जब दुकान पे आते हैं नेता जी वोट मांगते हैं। उससे पहले नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं हूँ आपके साथ आशुतोष उपाध्याय। सबसे पहले हम इनसे शुरुआत करेंगे, फूल माला बेच रहे हैं, ये बताइए बक्सर के रहने वाले हैं ना प्रॉपर आप? हाँ, बक्सर के रहने वाले हैं। बक्सर में कितना अच्छा अच्छा काम हुआ है? बक्सर शहर में हमारे न सांसद साहब कोई काम किए हैं ढंग का। शहर के लिए, शहर बक्सर विश्वामित्रिक जगह है, हम वार्ड नंबर 18 के वार्ड पार्षद हैं, अपना फूल का व्यवसाय धंधा पार्षद भी है। हाँ, हम बक्सर में 2 बार सांसद रह चुके हैं अश्वनी कुमार चौबे जी, और मंत्री भी रह चुके हैं केंद्र में। बक्सर शहर के लिए कुछ नहीं किया है। अच्छा, एक बात बताइए, लोग कहता है कि अश्विनी चौबे बाहर से आए हैं, भागलपुर से आए हैं, और यहाँ पर विस्थापित हैं वो, स्थापित हैं वो, कहीं से आए, मगर बक्सर के लिए सांसद वही नु है। हाँ, बाहर के तो ही है, जब यहाँ का रहते स्थानीय है तब न समझ में आता। बक्सर वाले में दम नहीं है कि बक्सर का बेटा को जीता है? बक्सर में दम है कि बक्सर का इम्पोर्टेड नेता का मैंने तो जो टिकट लेकर आ जाता है तबे ना हम लोग वोट देते हैं। हम लोग तो बीजेपी के वोट देते हैं। अच्छा, बीजेपी को वोट देते हैं? हाँ। तो बक्सर में बोल वाला इस बार 2024 के चुनाव में किसका है? मोदी जी का है। मोदी जी का? हाँ। चलिए देखिए, बच गए, ये नहीं बोले कि बीजेपी का, बीजेपी बोलते तो अश्विनी चौबे आ जाते तो फिर इनको वोट देना पड़ता। कह दिए कि मोदी जी का बोल वाला चचा है, काफी वरिष्ठ है। क्या लगता है हमको भाई? व्यक्तिगत वोट देना है, जो अच्छा काम करे, लोगों से जुड़ा रहे, जनता से जुड़ा रहे, हमेशा जनता के बीच में आवाज आए, आवागमन करते रहे, है ना, और सबका बात सुने। ये नहीं है कि कोई छोटा हो चाहे बड़ा हो, बड़े घर में जाकर पौड़ी में बैठ गए और आगे में कुत्ता बैठा हुआ है, भोंक दिया बस, किसी से बहुत ज्यादा भोटे भेटे ना हो के। हमको जो है कि नहीं, अपना क्षेत्रीय नेता चाहिए। ठीक है, क्षेत्रीय नेता चाहिए। एक प्रश्न है, बहुत ज्यादा उम्र भी है आपका, बहुत दुनिया भी देखे, अश्विनी चौबे के बारे में क्या आपको अच्छा लगा है वो बताइए? अभी तक तो कुछ नहीं, हवा हवाई में है। ऐसे मत बोलिए, सांसद है वहाँ पे, बहुत काम किए हैं। नहीं नहीं नहीं, हवा हवाई है, जो कुछ है मोदी सेंटर गवर्नमेंट से जितना आता है। एकदम बक्सर में कुछ काम नहीं हुआ अश्विनी चौबे। ऐसा बात नहीं, बक्सर में काम क्या, वो तो कहते हैं कि काम यज्ञ करवाते हैं ना। अरे यज्ञ से क्या मिलेगा? यज्ञ तो विश्वामित्र जी भी कराए थे, तड़का का वध किए थे, मगर ये चीज कुछ, ये बक्सर शहर के लिए कुछ नहीं किए। अच्छा, एक बात बताइए, ये बक्सर है ठीक है, या केंद्रीय विद्यालय, एक विद्यालय चलता है, वो अन्य अलग परिसर में विद्यालय चलता है, आज तक अपना निर्माण, आज तक उसका जमीन नहीं मिला। ये बक्सर के लिए बहुत दुखद चीज है।
हमारे भी बच्चे पढ़ते हैं, बच्चे का स्थिति बहुत दयनीय है, बढ़िया से पढ़ाई नहीं होगा। स्कूल में उसका परिसर है एमपी हाई स्कूल, एमपी हाई स्कूल, एमपी हाई स्कूल। कहा जाता है कि जो ये ट्रॉमा सेंटर भी एक भी नहीं है बक्सर में, स्वास्थ्य व्यवस्था लचर है, नहीं है कुछ नहीं है। सदर हॉस्पिटल का विकास देख लीजिए, अगर बक्सर के लोग अगर थोड़ा सा टेस्टी हो जाए तो तुरंत रेफर करते हैं लोग। हाँ एक मिनट, आप कहाँ जाते हैं दिखाने तबीयत खराब होता है तो? जाहिर सी बात है, हम लोग या तो पटना जाते हैं या तो बनारस जाते हैं। अच्छा, जितने लोगों से मिले वो बनारस और पटना ही करेंगे, बक्सर मतलब पूरा एकदम उनका ये नहीं है। नीरो सर जी, अभी मैंने परसों, स्वास्थ्य मंत्री ने थे जी, अरे मैंने परसों दिखाने गया बक्सर में, नीरो सर्जन नहीं है हॉस्पिटल में, नीरो सर्जन हमको नीरो सर्जन नहीं है, न्यूरो सर्जन नहीं है, इनसे पूछेंगे। अरे एक मामूली जो है कि नहीं, शुगर का दवा नहीं रहता है यहाँ, दवा नहीं रहता। आप गए शुगर का दवा? आपको नहीं मिला है? एक मर तो नहीं, तीन महीना से चार महीना से आउट है। अच्छा, क्या डॉक्टर बोलता है कल आइए परसों आइए? ना कहता है कि जब आएगा तो देंगे, ऊपर में कहा गया है। अश्विनी चौबे जी वोट मांगने चलते हैं आप? कभी नहीं आते हैं। अश्विनी चौबे 2014 में जब लोकसभा लड़े थे उस समय वोट मांगने के लिए आए थे। 19 में एक बार भी शहर का भ्रमण नहीं किए कि हमको जनता वोट दे, मगर जनता यहाँ का अविश्वसनीय है कि हम लोग मोदी जी को वोट देते हैं। चलिए, मोदी प्रेम है यहाँ पर, क्या आपका प्रेम क्या रहेगा बताइए, अश्विनी चौबे के बारे में बताइए। देखिए, हम लोग तो भाजपा को वोट देते हैं, मगर बक्सर का दुर्भाग्य है कि बक्सर का लोकल टिकट नहीं मिलता है, हम लोग चले जाते हैं, हर चुनाव में चले जाते हैं। जैसे यहाँ का एक तो विधायक पहले पूर्व में रहते थे पंडित जगन्नाथ त्रिवेदी, उस तरह का हमको चाहिए, लोकल अपने गोद में का बच्चा चाहिए, गोद में का बच्चा चाहिए, गोद में का ही बच्चा चाहिए, गोद में का बच्चा चाहिए, गोद में का बच्चा चाहिए, जो कि शहर का निवारण कर सके। बताइए, जो घर का आंगन अपना देखता है वही घर चलाता है, जो आंगन नहीं चला देखता है वो कभी घर नहीं चलाता, आंगन नहीं देखता वो घर बिल्कुल नहीं चलाता है। बताइए, 9 साल बेमिसाल, ये मोदी जी का सत्य है, लेकिन बक्सर 9 साल सत्यानाश, अश्विनी चौबे के चलते। कैसे? वो तो राम सर्किट का देखिए इतना बड़ा परियोजना चल रहा है। कुछ नहीं, राम सर्किट वो सब छलावा है, जग छलावा है, जग में राजनीतिक आता है, हीरो हीरोइन आता है, डांसर आता है, जग में साधु संत आते हैं, हवन होता है, मन तो यहाँ तो सब नचाचार्य जी तो थे। अरे राम भद्राचार्य जी को मोहरा बाला का सब नचनिया बजनिया जुटाए हुए था यहाँ से, ये आप देख लीजिए सीडी उठा कर। नचनिया बजनिया का बात किए हैं, अब हम बात पूछेंगे मनोज तिवारी का भी, यहाँ कह रहा है कि टिकट देंगे मनोज तिवारी को। कुछ नहीं, अब जो है लोकल हो वोकल हो, अब बक्सर की जनता जो है स्थानीय मांग कर रही है। इन्होंने काम किया है अश्विनी चौबे, लेकिन भागलपुर में किया है, बक्सर में कुछ नहीं किया। केंद्र स्वास्थ्य मंत्री थे, अगर राज्य मंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री, उनको अधिकार था कि यहाँ जो है एक जो है मेडिकल कॉलेज बना सकते थे, एक जो है हॉस्पिटल की व्यवस्था सुदृढ़ कर सकते थे। सदर हॉस्पिटल जो पुराना था वो खंडहर पड़ा है, वहाँ छोटा सा उपचार का व्यवस्था हो गया है, शहर से 5 किलोमीटर दूर चला गया है नया हॉस्पिटल। यहाँ हम लोगों ने मांग किया था कि महिला हॉस्पिटल कम से कम बना दीजिए, आश्वासन देने के बाद यह निकम्मा आदमी कुछ नहीं, निकम्मा आदमी। एक बात बताइए जरा, एक ओवर ब्रिज पुल का इसने 10 बार शिलान्यास किया, 10 बार ओवर ब्रिज, ओवर ब्रिज रेलवे घुमटी जो इटारी जाते हैं, अगर जाम हो जाता है, बंद हो जाता है, स्कूल के बच्चों का बस जो है 2-2 घंटा बच्चे गर्मी में परेशान होते हैं, उस ओवर ब्रिज को 10 बार शिलान्यास हुआ, अभी तो फिर शिलान्यास बना नहीं। अभी फिर एक नया ड्रामा किए हैं, वो जो के तिवारी के पीरियड में वो बना था लाइट एंड साउंड, वो खंडहर पड़ा था, हीरोइनियों का अड्डा था, उसको झाड़ झूड़ करा कर फिर शिलान्यास किए हैं, अब कुछ नहीं करेंगे, खाली चुनाव आया है, उनका एक से एक शिलान्यास होगा, ड्रामा ही होगा। कौन देता है? चाचा आप ही ना देते हैं। तो इसीलिए मन सब लोग बना लिया है कि लोकल हो वोकल हो, स्थानीय चाहिए। अच्छा, मोदी जी के प्योर भक्त लग रहे, मोदी जी हमेशा कहते लोकल फॉर वोकल,
ठीक है, वही चीज आप भी अपना रहे हैं, भाई हमको भी लोकल फॉर वोकल चाहिए। मोदी जी देखिए, मोदी जी सब लोग जानता था कि निकम्मा है, लेकिन सब लोग सोचा कि मौका दिया जाए, एक बार नहीं दो बार मौका दिया, वही हमारा सांसद, एक बार नहीं दो बार मौका दिया गया, लेकिन कुछ नहीं अंतर हुआ। अब तो सारे लोग अगर आ जाएंगे तो हारना उनका निश्चित तय है। मनोज कहिए चाचा, बक्सर कैसा लगा आपको? बक्सर में जो हमारे अश्वनी चौबे 9 वर्षों से संसद है, यह बहुत मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी और मोदी जी ने यहाँ पर घोषणा किया था कि बक्सर जो है बाबा विश्वनाथ का दूसरा स्थान है, बनारस का दूसरा स्थान है, मगर जितना मोदी जी ने विकास किया और यहाँ पर 10% भी विकास अश्वनी चौबे के द्वारा नहीं हुआ। बिल्कुल, चले जो स्थानीय रहेगा वो यहाँ के लोगों का दर्द समझेगा, कहीं ना कहीं ये तमाम जो लोग हैं और यहाँ पे जो लोग हैं उनका मानना है कि कोई स्थानीय जो नेता है वही आए और एमपी का जो चुनाव है वो लड़े। अश्विनी चौबे के बस की बात नहीं है अब बक्सर संभालना, क्योंकि अब उनसे बक्सर नहीं संभल रहा, इन लोगों का कहना है। और अभी तक जितना हमने सर्वे करा, जितने लोगों से बातचीत करी, सबने यही कहा कि अश्विनी चौबे जो है अब यहाँ के लिए नेता नहीं है, उनको भागलपुर वापस शिफ्ट हो जाना चाहिए। अगर चुनाव लड़ने की इच्छा है तो आप भागलपुर जाइए, भागलपुर से चुनाव लड़िए, बक्सर आपके लिए कोई जगह नहीं है, बक्सर आपके लिए अब बचा भी नहीं है। फिलहाल आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन, धन्यवाद।